राज्यसभा सांसद ने नीट घोटाले पर चल रही जांच पर खड़े किए सवाल, भाजपा सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने नीट घोटाले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से व्यापम घोटाले की जांच दबकर रह गई थी, ठीक उसी तरह से नीट घोटाले के भी आरोपी सामने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, जांच में अगर मिलीभगत होती है तो निश्चित रूप से कुछ सामने नहीं आएगा, और अगर यही जांच निष्पक्ष होती तो अपार सबूत अभी तक सामने आ चुके होते। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मुझे बहुत ही दुख है कि देश के करोड़ों बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है। पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर जिस तरह से भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमला कर रही है, उसको लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि महिलाओं पर हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में हो रही है, और मैं हमेशा से ही महिलाओं के साथ हूँ, हो रही हिंसा के खिलाफत रहा हूं, और मैं हमेशा से ही महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का खिलाफत करता रहा हूं। नीट में घोटाले तो हुए हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, कैसे देखते हैं आप इतने बड़े एक्शन पर रिएक्शन पे? मुझे आश्चर्य है, मुझे पीड़ा भी है इस बात को लेके। जैसे व्यापम में इनको कोई सबूत नहीं मिले, वैसे लगता नीट में भी इनको कोई सबूत नहीं मिलेंगे। अगर मिली भगत होती है तो कभी सबूत नहीं मिलता है, और निष्पक्ष जांच होती है तो सबूत अपार अवेलेबल है। मुझे बहुत दुख है जो करोड़ों बच्चों के साथ ये विश्वासघात हो रहा है। मैं इसको, देश इसको माफ नहीं करेगा। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।